आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोलर वॉल्यूम। लास्ट टाइम जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में एवोगैड्रोस नंबर मोल को अच्छी तरीके से एग्जांपल्स के साथ बहुत डिटेल में पढ़ा था न्यूमेरिकल्स के साथ, तो आज उसी से रिलेटेड कुछ हमारे पास है मोलर वॉल्यूम। आज हम देखेंगे कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है और एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और उनके आंसर्स क्या हैं। चलिए जी, सबसे पहली बात कि व्हाट इज मोलर वॉल्यूम या डिफाइन मोलर वॉल्यूम, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। मोलर वॉल्यूम बेसिकली द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस, किसी भी आइडियल गैस के एक मोल जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो कितना होगा, 22.414। यानी कि वो वॉल्यूम जो कोई भी आइडियल गैस स्टैंडर्ड कंडीशंस में, जैसे स्टैंडर्ड प्रेशर हो या स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो, पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उसे हम क्या कहेंगे, मोलर वॉल्यूम। जैसे हमने ये लास्ट लेक्चर में कहा था कि अगर कोई चीज एक मोल है, ठीक है, तो उसमें जो एटम्स आए और मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी वो सेम थी, और चाहे उसका मास 2 ग्राम है, चाहे उसका मास 100 में है, 200 में है, 300 में है, 111 है, या 68 है, 98 है, कुछ भी है, लेकिन अगर वो एक मोल है तो उसमें एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स की जो तादाद है वो क्या होगी, सेम होगी। इसी तरीके से मोलर वॉल्यूम भी ऐसे ही है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो, स्टैंडर्ड प्रेशर हो, और वो चीज एक मोल हो, तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स होगा, वो कितना होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहां पे हाइड्रोजन गैस, इसको शो पहले हम देख लेते हैं किससे करते हैं, रिप्रेजेंट इसको VM से करते हैं, सिंबल इसका ये है, वैल्यू क्या होती है इसकी, 2.414 डेसीमीटर क्यूब, ये आपको अच्छे तरीके से याद करनी है। इसी तरीके से 0.22414 मीटर क्यूब में, और 22414 यानी कि विदाउट एनी पॉइंट सेंटीमीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में, तीनों यूनिट्स में, मीटर क्यूब में और सेंटीमीटर क्यूब में, ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं हम कि अगर हमारे पास 2 ग्राम ऑफ H2O, देखिए मॉलिक्यूल है, गैसेस हैं, ज्यादातर मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती हैं, हाइड्रोजन एक एटम होगा तो 1 ग्राम, दो एटम्स है, मॉलिक्यूल है, H2 है, तो वो क्या होगा, 2 ग्राम, 2 ग्राम ऑफ H2 बराबर होंगे 1 मोल ऑफ H2 के। ठीक है, अगर एक होता ना, एक एटम होता तो 1 मोल ऑफ H आता, H2 है तो 1 मोल ऑफ H2 है, इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब ये गैसेस कब ये शो करेंगे, जब वो आइडियली बिहेव करेंगे, और कोई भी गैस आइडियली बिहेव कब करती है, जब वो गैसेस लॉ को ओबे करे। गैसेस लॉ क्या होते हैं, लास्ट टाइम आप लोगों ने जैसे मैट्रिक में पढ़ा हुआ है चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, या आप इसी फर्स्ट ईयर में आप लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे एवोगैड्रोस लॉ। तो जितने ये तीनों गैसेस लॉज को जो गैसेस ओबे करेंगी उनको हम आइडियल गैसेस कहते हैं। आइडियल गैसेस का जो वॉल्यूम हम कंसिडर करते हैं, आइडियली जो बिहेव करती है वो 0 से कंसिडर किया जाता है, लेकिन वो नेचर में इतनी ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती, जिसे हम कहते हैं कि हम उनको स्टडी आइडियली ही करते हैं, उनके टेम्परेचर फिक्स कंडीशंस होती हैं, स्टैंडर्ड ले रहे होते हैं हमारी चीज को, तो ताकि हमें इजी रहे उनको स्टडी करना। हम सपोज कर रहे होते हैं बेसिकली हर चीज को कि कोई भी चीज अगर आइडियली बिहेव करती है तो उसका जो टेम्परेचर प्रेशर, अगर हम टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड लें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 32 फॉरनहाइट है, या हम 273 केल्विन कहते हैं, इन तीनों में से कोई भी टेम्परेचर हो, या 180 प्रेशर हो, या पास्कल में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 101325 पास्कल, स्टैंडर्ड कंडीशन। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 16 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन का जो मास होता है वो बेसिकली कार्बन 12 होता है और हाइड्रोजन 4 है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 4 और मास नंबर जो होगा वो 6 होगा, सॉरी 6 एटॉमिक नंबर और जो मास नंबर होगा वो 12 होगा, तो 12 कार्बन एटम्स और 4 हाइड्रोजन एटम्स मिलकर क्या बनाएंगे, 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन। लेकिन ये होगा क्या, एक मोल, ठीक है, मीथेन अगर 16 ग्राम है तो इट्स
मीन के ये वन मोल है, और जो इसके अंदर इसका जो वॉल्यूम आपको पाया होगा वो क्या होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब।